नमस्कार इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी वर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों। खबर है जनपद जौनपुर से। आपको बता दें साहगंज नगर में नालियों के ऊपर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में निकली टीम के साथ में बुलडोजर भी था, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लोगों ने अतिक्रमण स्वयं हटा लिया और जहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया था उन दुकानदारों को आखिरी चेतावनी भी दे दी गई। बताया जा रहा है इस दौरान दो दुकानदारों का चालान भी किया गया। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर यह अभियान बीते गुरुवार को ही शुरू कर दिया गया था। अधिकारियों ने अतिक्रमण के बाबत को भी चेताया था। अधिकारियों के निशाने पर वो इलाके रहे जहां सबसे ज्यादा जाम की दिक्कत होती है। जी आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद से निकली टीम ने सबसे पहले कोतवाली रोड को साफ किया। यहां नालियों पर अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया गया है और टीन करकट भी उतरवा दिया गया। जी हाँ आपको बता दें कि इसके बाद भी कोतवाली चौराहा होते हुए टीम घास मंडी चौक पहुंची और पटरी के दोनों तरफ का अतिक्रमण हटवा दिया। टीन करकट हटाने के लिए दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दे दी। टीम सराफा गली और मेन रोड होते हुए जेसी चौक और आजमगढ़ रोड की तरफ अतिक्रमण हटाते चली गई। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए पठान अली की रिपोर्ट।